कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना, मायमौली के दर्शकों सुख में तो सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ नाना जी महाराज मिलते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त हो नाना जी महाराज का। नमस्कार, मायमौली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूँ शेख इस्माइल। कापसी गांव में स्थित नानाजी महाराज दर्शन के लिए बोथ MLA राठौर बाबूराव जी आज दर्शन के लिए आए हैं और भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करें। और कापसी में हर साल महोत्सव मनाया जाता है, महोत्सव नहीं बल्कि यहां पर काफी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, मन्नत मांगते हैं। और इसी तरह से बोथ MLA राठौर बाबूराव जी भी आज आए हैं। चलिए पहले मित्र मंडळी सर्व आमचे मामा सुद्धा इथे आलेले आहेत।
सगळ्याला धन्यवाद. भाऊराव पाटील वगैरे सर्व सर्व आमचे पुढे दादा सर्व सगळ्यांना एक एक नावावर सगळ्यांना मी धन्यवाद करण्यात माझे दोन सत्र समाप्त होतो. इस कार्यक्रम में जिला सरपंच इंद्रशेखर, जीवना ओलोकर, कास्ती सरपंच अनुसया बाई, दिलीप उप सरपंच देवीदास, जितेंद्र अविनाश, मुकुंदराव दत्ता निकम, मोहन ठाकरे, सादिक बाबूराव हुलके, मोहन मानकर, नानाजी वैद्य, सुदाम ठाकरे, राम रेड्डी, अट्टू बेला, प्रभाकर वैद्य, ज्ञानेश्वर वैद्य, दिलीप ठाकरे, संतोष ठाकरे, नानाजी चल्ले, श्रावण भदोरकर और संजय निकुंगे इन सब उपस्थित थे. बोथ MLA बाबूराव राठौर, इन्होंने कहा है कि श्री परम पूज्य श्री संत गुरु नानाजी महाराज कह रहे हैं कि जब से मैं इनका भक्त बना, जब से मैं जो है MLA जीत चुका हूं और उसकी भेंट देने के लिए नानाजी महाराज के पास मैं यहां पहुंचा हूं, और जब भी ऐसे कोई भी धार्मिक गुरु रहते हैं मैं उनका सम्मान करता हूं, और कह रहे थे कि इसमें जितनी खुशी मिलती है इसमें वो खुशी कहीं पे भी नहीं मिलती. थोड़ा मौसम के बारे में भी बात की है कि गरीबों की जो तुअर फसल है वो खराब की भी बारे में बात की है. लेकिन आप बने रहिए माय मौली हिंदी समाचार के साथ. कैमरामैन वहाब के साथ इस्माइल शेख, माय मौली, हमारी हिम्मत और आपकी जीत.